हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है मसाला कुकुम्बर लेमनेड। कुकुम्बर यानी कि खीरा बहुत ही फायदेमंद होता है गर्मियों में, तो ये वरदान होता है हमारे लिए। इसमें फाइबर होता है, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुकुम्बर को हम अलग-अलग तरीके से ले सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि ये जो खीरा है उसको सुबह या दोपहर में लेना होता है, शाम में आप ना लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मसाला कुकुम्बर लेमनेड बनाने के लिए मैंने दो खीरा लिया है। तो सबसे पहले हम खीरे को छील लेंगे। दो मीडियम साइज का खीरा है ये, छील लेंगे सबसे पहले इसको, और छीलने के बाद इसको काट लेंगे। इस तरीके से खीरे को काट लेंगे। और अब खीरे को हम डालेंगे मिक्सी के जूसर जार में। तो आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं और बाद में इसको छन्नी से छान सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें डाल देंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पुदीना की पत्ती, तो ये 7 से 8 पुदीना की पत्ती है। और अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। 1 मीडियम साइज का नींबू लिया है मैंने, उसका रस निकाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, तो ये 2 टेबल स्पून है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें स्वादानुसार, तो दोनों नमक मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें। और ये मैं काला नमक डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम, 1/4 छोटा चम्मच से भी कम डाला है मैंने। और भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच से कम। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। और अब जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। और ये कुकुम्बर का जूस रेडी है। 2 ग्लास लिया है मैंने, तो सबसे पहले ग्लास में डालेंगे आइस। और अब इसमें डालेंगे ये जो खीरे का जूस निकाल के रखा है इसको डाल देंगे। दोनों में डालेंगे आधा आधा, मैं 2 ग्लास बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने खीरा भी 2 लिया था। नींबू डाल रही हूँ मैं इसमें, नींबू काट के। और अब इसमें डालेंगे सोडा वाटर। मिला लेंगे दोनों को अच्छे से। अब इसको गार्निश भी कर देते हैं। थोड़ी सी पुदीना की पत्ती। और ये हमारा मसाला कुकुम्बर लेमनेड बनके रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।